Hi students, how are you? Good morning to you all. Today I am standing here to take a topic which is a pronoun. So let's get to start to discuss about a pronoun. So students, you are just looking very carefully, that is the pronoun, right? So this pronoun ka matlab hota kya hai? Sabse pehle hum ye janne ka koshish karenge. Pronoun ka matlab hota hai sarvanam. Okay. प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन आई हैव क्लासिफाइड इनटू टू वेज, वन इज प्रो एंड सेकेंड इज अ नाउन, राइट? प्रो मींस के बदले एंड नाउन मींस संज्ञा. प्रो मींस के बदले, नाउन मींस संज्ञा. इसका मतलब होता क्या है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को, ठीक है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं. प्रो मींस के बदले, नाउन मींस संज्ञा. यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, जो यूज किया जाता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन इसी वे में समझने का प्रयास करें. प्रोनाउन मींस प्रो प्लस नाउन. प्रो मींस के बदले, नाउन मींस संज्ञा. संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं. The word which is used in place of noun, it is called pronoun. Now we can see the definition which I have written here. The word which is used in place of noun, it is called pronoun. वह शब्द जो संज्ञा के बदले में, जो noun के place पे जिसका use किया जाता है, it is called pronoun. उसी को pronoun कहते हैं. For example, he, she, you, him, these, that, both, etc. Okay, so these are the examples of pronoun. Got it? Now see, suppose I am saying a sentence. Hari is a teacher. Hari ek shikshak hai. Okay, Hari is a teacher. Okay, aur agar mujhe Hari ke bare mein kuch likhna hai, to agar is language mein, agar is छोटी सी स्टोरी में हरि के बारे में बार बार अगर हरि का प्रयोग करते हैं, इफ आई यूज अगेन एंड अगेन हरि 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 हरि, देन व्हाट हैपेन, द अदर पीपल हु विल स्टडी एंड द लिसन, दे विल नॉट फील गुड. ओके, तो हम बार बार नाउन का प्रयोग ना करके हम नाउन के बदले में जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग करेंगे. अब हम देखते हैं कि हरि यहाँ पे एक सिंगुलर है. हरि इज अ सिंगुलर. ओके, एंड ही इज अ मैस्कुलिन जेंडर. तो हरि के बदले में हम ही का प्रयोग करेंगे. ही इज अ टीचर, नॉट हरि इज अ टीचर. हरि हरि का यूज बार बार नहीं करना. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन. Actually, what happened that if you study in different grammar book, okay, we will find so many pronouns, so many pronouns are there. Each and every book has different categories of the pronoun, but I have given you all only seven pronouns, just like personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun and indefinite pronoun.